हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बीएबीएससी फाइनल ईयर की लीनियर अलजेब्रा की बुक चल रही थी, जिसमें अब तक हम 2 यूनिट कर चुके हैं। आज से हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड यूनिट में हमारे पास चैप्टर है 6, 7 एंड 9। तो आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। मान लो हमारे पास T1 कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V तक, और T2 है T2 भी U से V तक है, ठीक है, वेयर U एंड V आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। वी डिफाइन द सम ऑफ T1 एंड T2 बाय T1 प्लस T2 फ्रॉम U टू V। T1 और T2 का सम किस तरह से डिफाइन करेंगे, T1 प्लस T2 भी कहाँ से कहाँ तक होगा, U से V तक, सच दैट T1 प्लस T2 ऑफ U इज इक्वल टू T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। किस तरह से डिफाइन किया है कि T1 प्लस T2 जो मैप है, जैसे ही डोमेन के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगी, तो कैसे अप्लाई होके रिजल्ट आएगा, पहले T1 अप्लाई हो जाएगा इस पे U पे, प्लस फिर T2 अप्लाई हो जाएगा। तो ये इन्होंने डिफाइन कर दिया सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। अब ये रिजल्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ कि इसके प्रूफ, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैप को प्रूफ करना होता है तो हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। लेट यू एंड वी बी टू वैक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ इफ T1 फ्रॉम यू टू वी एंड T2 फ्रॉम यू टू वी बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, देन T1 प्लस T2 इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। एक तो ये प्रूव करना आपको कि T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, डिफाइन हमने इस तरह से कर दिए हैं। और क्या प्रूव करना है कि a इंटू टी, ए कोई अगर स्केलर है हमारे पास, तो a इंटू टी फ्रॉम यू टू वी, ये भी क्या बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन कैसे किया, इस तरह से कि a इंटू टी अगर अप्लाई होता है किसी पे, तो a बाहर हो जाएगा, t अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। इसके बाद हमारे पास देखो ये थ्योरम है, लेट यू एंड वी बी टू वैक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ इफ T1 फ्रॉम यू टू वी, T2 फ्रॉम यू टू वी बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैन प्रूव दैट रो T1 प्लस T2 इज लेस देन इक्वल्स टू रो T1 प्लस रो T2। ये किस क्या होता था, किसकी आइडेंटिफिकेशन थी कि रेंज स्पेस की डायमेंशन, किसके रेंज स्पेस की, T1 प्लस T2 के रेंज स्पेस की डायमेंशन लेस देन इक्वल्स टू है रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1 प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। रेंज स्पेस की डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हमने डिफाइन कर दिया एक बार, T1 प्लस T2 कैसे डिफाइन करते हैं हम, U से V तक, पहले ही U पे अप्लाई, अगर ये पूरा होगा तो पहले T1 हो जाएगा फिर T2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, T1 प्लस T2 ऑफ U, ये क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज से हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, रेंज स्पेस से, ठीक है। अगर इसकी रेंज स्पेस से आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमें पता है हमारे पास यू से एक यू एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, कि ये डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बन जाएगा, डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट करवाया, डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन गया, क्योंकि ये रेंज स्पेस का एलिमेंट है। तो कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 ऑफ U। और ये हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है कि T1 पहले अप्लाई हो जाएगा प्लस फिर T2 अप्लाई हो जाएगा। अब इसको अगर मैं बिलोंग करवाना चाहूँ तो इसको रिप्लेस कर सकती हूँ मैं, T1 कैपिटल U, T2 कैपिटल U, तो v बिलोंग कर जाएगा इस स्पेस से। आया कहाँ से था v, T1 प्लस T2 के रेंज स्पेस से, चला कहाँ गया, इसमें T1 U प्लस T2 U में, मतलब रेंज स्पेस ऑफ T1 प्लस रेंज स्पेस ऑफ T2 में। अब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, इसके अंदर बिलोंग करवा दिया, तो बोल सकते हैं कि ये स्पेस मेरा इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। अगर एक स्पेस दूसरे में कंटेन है, तो डायमेंशन का क्या रिलेशन होता है, कि इस वाले की डायमेंशन लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस, और ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, हमने रिजल्ट क्या पढ़ा हुआ, डायमेंशन W1 प्लस W2 इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। ये W1 का काम कर रहा है, ये W2 का हो गया। ये क्या है, रेंज स्पेस की डायमेंशन ही तो है, इसको क्या लिख सकते हैं, रो T1 प्लस T2, ये T1 के रेंज स्पेस की डायमेंशन है, इसको रो T1 लिख सकते हैं, ये T2 के रेंज स्पेस की डायमेंशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो T2। क्या प्रूव करना था, यही करना था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया हुआ है, लेट यू वी डब्ल्यू बी थ्री वैक्टर स्पेसिस ओवर अ फील्ड एफ, लेट T1 फ्रॉम U टू V एंड T2 फ्रॉम V टू W
बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी डिफाइन टी टू टी वन कॉल्ड कंपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ टी टू एंड टी वन बाय टी टू टी वन कैसे डिफाइन होगा टी टू टी वन ऑफ यू इज इक्वल टू पहले टी वन अप्लाई हो जाएगा फिर जो एलिमेंट का रिजल्ट आएगा वो फिर टी टू अप्लाई हो जाएगा. अब देखो टी वन अगर किसी पे अप्लाई होना है हमारे पास तो टी वन अपनी डोमेन के एलिमेंट पे अप्लाई होगा मतलब इस पूरे की डोमेन क्या बन जाएगी यू बन जाएगी. फिर जैसे ही टी वन यू पे अप्लाई हुआ तो मेरे पास रिजल्ट वो किसका देगा टी वन की कोडोमेन का. टी वन की कोडोमेन क्या है वी और वो किस में कंटेन है टी टू की डोमेन के अंदर. टी टू किस पे अप्लाई हो सकता है इस वी के एलिमेंट पे तो यहाँ से वी का एलिमेंट आएगा. अप्लाई होने के बाद मुझे ये रिजल्ट किसका देगा डब्ल्यू का एलिमेंट देगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक होगी यू से डब्ल्यू तक कौन से वाली टी टू टी वन. ठीक है इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं. आगे फिर से कंपोजिशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं ट्राई करके खुद देखना एक बार. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी कंपोजिशन डिफाइन होगी ही होगी कि कुछ केसेस में नॉट डिफाइन भी हो सकती है. अब वो केस कौन सा है कि आपकी डिफाइन कब होगी टी टू टी वन इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ टी वन इज कंटेंड इन डोमेन ऑफ टी टू. क्योंकि जब तक रेंज टी वन की रेंज टी टू की डोमेन में कंटेन नहीं होगी तब तक ये डिफाइन हो नहीं सकती. जब इसका एलिमेंट अगर उसके डोमेन के एलिमेंट में नहीं जाएगा इसकी रेंज का एलिमेंट इसके डोमेन के एलिमेंट में नहीं जाएगा डोमेन के अंदर नहीं जाएगा तब तक तो यहाँ से आप इमेज निकाल ही नहीं पाओगे. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जब तक टी वन की रेंज टी टू की डोमेन के अंदर कंटेन नहीं होती तब तक टी टू टी वन डिफाइन नहीं होगा. ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस पे बेस क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है इसके बाद ये वाली थ्योरम करवा देती हूँ. लेट टी वन फ्रॉम यू टू वी टी टू फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ ये इंपॉर्टेंट है टी टू टी वन इज वन वन देन टी वन इज वन वन. अगर टी टू टी वन 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 है तो मुझे प्रूव करना है कि टी वन 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 होगा. अब मुझे टी वन को वन वन प्रूव करना है तो वन वन कैसे प्रूव करते हैं डोमेन के एलिमेंट्स पे अगर मैं टी वन की इमेजेस डोमेन के दो एलिमेंट की इमेजेस टी वन के अंडर अगर इक्वल मान लूँ और एंड में उन एलिमेंट्स को इक्वल शो कर दूँ तो टी वन 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 हो जाएगा. तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट भी कैसे करना पड़ेगा कि टी वन की डोमेन के दो एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर टी वन इक्वल है तो मैंने यू वी दो टी वन की डोमेन से एलिमेंट लिए उनकी इमेजेस आपस में इक्वल मान ली. ठीक है दोनों तरफ टी टू अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है अब मेरे पास इसी तरह से डिफाइन थी ना कंपोजिशन. अब ये क्या टी टू टी वन बन गया. टी टू टी वन क्या है वन वन है. टी टू टी वन 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 होने का क्या मीनिंग है कि टी टू टी वन के अंडर जिन दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल होंगी वो दो एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे. टी टू टी वन जैसे ही वन वन हुए तो इन दोनों की इमेजेस इक्वल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल चले जाएंगे. और स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी कि टी वन के अंडर यू और वी की इमेज इक्वल जा रही है तो एंड में प्रूव क्या कर दिया यू और वी आपस में इक्वल है. तो मेरे पास क्या प्रूव हो गया कि टी वन मैपिंग कैसी हो गई वन वन होगी. एक तरीका आपका एक ये है. एक हमने क्या पढ़ा हुआ नल स्पेस इसका जीरो के इक्वल शो कर दो टी वन का तो आपका टी वन 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 प्रूव हो जाएगा. ये भी कर सकते हो आप ये वाला ज़्यादा ईजी है तो आप ये वाला कर लो. ठीक है नेक्स्ट में देखो मुझे क्या प्रूव करना है कि टी टू टी वन अगर ऑन टू है तो टी टू ऑन टू होगा. याद रखने का तरीका क्या अगर टी टू टी वन 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 है तो पीछे वाला वन वन होगा. टी टू टी वन ऑन टू है तो आगे वाला ऑन टू. पीछे वाला वन वन होता है आगे वाला ऑन टू होता है. ठीक है देखो हमने क्या किया आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया कैपिटल डब्ल्यू से. टी टू टी वन की ऑन टू है अगर मैं इससे आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँ तो इसको यहाँ पे प्री इमेज एटलीस्ट वन प्री इमेज मिलेगी तो यहाँ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. कैसे एग्जिस्ट करेगा कि टी टू टी वन यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा. और ये कंपोजिशन कैसे डिफाइन किया है ऐसे क्यों ये डिफाइन. अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है इसको मैं एक मिनट के लिए मान सकती हूँ वी के इक्वल. टी वन का पहले देख लेती हूँ क्या है. हाँ ठीक है टी वन मेरी कहाँ से यू से वी है ना तो टी वन ऑफ यू को मैं मान सकती हूँ वी के इक्वल. वी मेरा कहाँ से आ रहा है कैपिटल वी से. तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया टी टू ऑफ वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आ गया. अब कोड टी टू कहाँ से कहाँ तक था वी से डब्ल्यू. ठीक है कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट उठाया उसके लिए मुझे क्या मिल गई डोमेन के अंदर प्री इमेज मिल गई ना है ना.
डोमेन के अंदर प्री इमेज मिल गई, तो वो क्या किसकी डेफिनेशन होती है, ऑन टू की तो होती है, तो इसका मतलब टी टू मैपिंग कैसी बन गई है, ऑन टू बन गई है। ठीक है, क्या प्रूव करना था, यही करना था हमें। इसके बाद ये वाली थ्योरम आप अपने आप देखोगे, मैं अब सीधा आ रही हूँ एग्जांपल्स पे। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर सच दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4x 3y-2z एंड टी टू फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर सच दैट टी टू एक्स वाई इज इक्वल टू -2x, y। कंप्यूट करना आपको टी वन टी टू और टी टू टी वन को। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी कि कौन सी एग्जिस्ट करती है कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। अब टी वन टी टू की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए, इफ रेंज ऑफ टी टू इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ टी वन, क्या टी टू की रेंज टी वन की डोमेन में कंटेन हो रही है। टी टू की रेंज क्या है, आर स्क्वायर, टी वन की डोमेन क्या, आर क्यूब। अब देखने में लगेगा इसकी डायमेंशन 2 है इसकी 3 है, ऐसा नहीं होता, ये कंटेन नहीं होता इसमें कभी भी। ठीक है, पूरा का पूरा ये सेट जा ही नहीं सकता इसके अंदर, तो इसलिए ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो हमारा टी वन टी टू डिफाइन नहीं होगा कभी भी। या ये गलती मत कर देना कि आर स्क्वायर आर क्यूब के अंदर कंटेन है या आर थ्री आर फोर के अंदर कंटेन है, ये कभी भी कंटेन नहीं होता आपस में। ठीक है, ये अलग स्पेस है, ये अलग स्पेस है। अब टी वन टी टू के लिए, टी टू टी वन के लिए क्या देखना पड़ेगा, टी वन की रेंज टी वन की डोमेन में चेक करनी है। टी वन की रेंज क्या है, आर स्क्वायर, टी वन की डोमेन, टी टू की डोमेन क्या है, आर स्क्वायर। ये दोनों तो कंटेन, आर स्क्वायर खुद ही इक्वल है आर स्क्वायर के, तो कंटेनमेंट हो ही जाएगी। तो टी टू टी वन तो मेरा डिफाइन है, लेकिन टी वन टी टू डिफाइन नहीं है। टी टू टी वन अब कर लो, कैसे करते हैं हम, टी टू टी वन पहले टी वन अप्लाई होगा, वो थ्री टपल वाले एलिमेंट पे अप्लाई है, रिजल्ट मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है। देखो एक बार लिख देती हूँ, टी वन मेरा कैसे डिफाइन किया हुआ, एक्स वाई जेड किसके इक्वल दिया हुआ, 4x, 3y-2z, और टी टू एक्स वाई मुझे किसके इक्वल दिया हुआ है, -2x, y। पहले तो टी वन इस पर अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब टी टू जब एक्स वाई पे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का -2 times हो जाता है, सेकेंड एज इट इज आ जाता है, सेकेंड वाला एज इट इज आ गया, फर्स्ट वाले का -2 times -8x आ जाएगा। ये आपकी बन गई कंपोजिशन ऑफ टी टू एंड टी वन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है रेंज और डोमेन की कंटेनमेंट का। कई बच्चे पेपर में कर भी आते हैं इसको, बना भी आते हैं इसकी। ठीक है, इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर टी टू फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर सच दैट टी टू टी वन इज इक्वल्स टू 0 बट टी वन टी टू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा लॉजिक क्या है यहाँ पे, डिफाइन हमने इस तरह से करनी है, एक के फर्स्ट वाले टपल में 0 ले लो, एक के सेकंड वाले टपल में 0 ले लो, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। टी वन के फर्स्ट वाले में 0 ले लिया, टी टू के सेकंड वाले में 0 ले लिया। अब डिफाइन तो दोनों है क्योंकि रेंज डोमेन सारी सेम ही है, तो टी टू टी वन वाले हम देख के देखते हैं क्या आएगा। टी टू टी वन पहले टी वन अप्लाई होगा, क्या रिजल्ट दे रहा, 0.4x। और टी टू जैसे ही इस पे अप्लाई होता है, फर्स्ट एलिमेंट तो मेरा एज इट इज आ जाता है, सेकंड वाला 0 बन जाता है। फर्स्ट तो मेरा ऑलरेडी 0 है, एज इट इज आ जाएगा, सेकंड 0 बन रहा है तो सेकंड भी 0 बन गया, तो मेरे पास ये किसके इक्वल है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी टू टी वन तो 0 आ गई। अब टी वन टी टू देखते हैं, टी वन टी टू पहले टी टू अप्लाई होगा, टी टू क्या है, एक्स कॉमा 0, और जैसे ही टी वन इस पे अप्लाई होगा फर्स्ट वाला को 0 बना देगा, सेकंड वाले को फर्स्ट का 4 times, फर्स्ट वाला 0 फिर फर्स्ट का 4 times 4x। ये 0 ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल तो है नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, टी वन टी टू तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, टी टू टी वन 0 के इक्वल है। यही लॉजिक याद रख लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, टी वन हमें इस तरह से दे दिया, टी टू ऐसे दे दिया, टी थ्री ऐसे दे दिया, आपको फॉर्मूला बनाना है 2t1-3t2+4t3। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, ऐसे लिखा बस सीधे सीधे, जैसे हमने ए टी वाली पढ़ी थी ना, ये वैसी ही है। इसकी इमेज लिख दो, इसकी भी इमेज लिख दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो अब इस एलिमेंट को। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके जब आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वाली मैप की के अंडर इस एलिमेंट की इमेज निकालनी है। अप्लाई कर दो, x जहाँ है वहाँ -1 पुट कर दो, y जहाँ है 0, z है तो 3 पुट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। और क्या शो करना है कि टी वन टी टू टी थ्री हमारे पास क्या है, li है। अब जिनको li शो करना होता है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स के साथ लेके चलते हैं और 0 के इक्वल रखते हैं।
अब देखो इनका अगर मैं स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेके जीरो के इक्वल रखूँ तो कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक ऑपरेटर है। जब तक ऑपरेटर किसी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगा तो वो मीनिंगलेस है। तो इसको अप्लाई तो करना पड़ेगा मुझे। अप्लाई कैसे करूँगी, तीनों की डोमेन क्या है, आर क्यूब है। तो अप्लाई मुझे कैसे करना पड़ेगा, आर क्यूब के बेसिस पे, स्टैंडर्ड बेसिस पे मैं अप्लाई करूँ, पहले 100 पे, फिर 010 पे, ऐसे ही 001 पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, दोनों तरफ मैंने सेम एलिमेंट पे अप्लाई कर दिया। आगे मेरे पास T1 की भी वैल्यू है, T2 की भी है, T3 की भी है, सारी वैल्यू पुट करके यहाँ से दो तीन इक्वेशन आ जाएंगी। फिर क्या किया, सेकेंड एलिमेंट, स्टैंडर्ड बेसिस का सेकेंड एलिमेंट लिया, इस पर अप्लाई किया दोनों तरफ, फिर और इक्वेशन आ जाएंगी। थर्ड में किस पे करोगे, 001 पे अप्लाई कर दो, फिर दो तीन इक्वेशन आ जाएंगी। उन सब की हेल्प से आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, एंड में आपके पास किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल। और हमें प्रूव क्या करना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी स्केलर आपके यूज़ हो रहे हैं अगर वो जीरो के इक्वल आ जाते हैं, मतलब ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कैसी हो जाएंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में थोड़ा सा अलग है, आपको स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वहीं से ही होगी जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये थी आपकी 6.1 तक का काम। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है फिर भी आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।